Hello friends, a very good day to you all. Wellness coach, आप लोगों ने बहुत सुना होगा wellness coach, पर ये wellness coach करता क्या है ये भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 50+ इसलिए चुना है क्योंकि आप ये देखिए कि नेचुरली जो लोग रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 60, दे स्टे एट होम। जब वो घर में रहते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में हैं, बेटा बहू साथ में हैं, वेल एंड गुड, सभी कोई देखभाल करते हैं। पर अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हो तो बच्चे भी कितना देखेंगे। बच्चों की अपनी लाइफ होती है, अपनी पढ़ाई होती है, अपना ग्रुप होता है, अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं आफ्टर 60, इन लोगों को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ये चीज़ नोट करके रखें कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो हेल्दी हैं। उससे क्या होगा कि उनकी जॉब एक्टिविटीज़ जो है ना वो बिना किसी टेंशन के होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिना किसी टेंशन के पूरी होगी। तो इसमें साथ पूरी फैमिली को देना पड़ता है अपनी पेरेंट्स की हेल्थ को ठीक रखने के लिए। ओके, पेरेंट्स की हेल्थ का साथ देने के लिए कैसे आप लोग करोगे? यही एक छोटी सी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक वेलनेस कोच अपॉइंट कर दो जो कि उनकी काउंसलिंग करेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करेगा, उनकी लाइफस्टाइल को नोट करेगा, उनके सुबह से रात तक की एक्टिविटीज़ को नोट करेगा, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इन सब का वो नोट बनाएंगे और उसके बाद वो उनको गाइड करेंगे। करना कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हम आदतें नहीं बदल सकते, पर जब सेहत की बात आती है तो सब कुछ बदल जाता है, होता है कि नहीं? अब लोग कहते हैं कि हम दूध नहीं पीते, बट जब डॉक्टर कहता है कि नहीं दूध के साथ ही आपको ये दवाई लेनी है या दूध आपके लिए कंपलसरी है तो दूध पीना शुरू करते हैं कि नहीं? लोग करते हैं ना, इज इट ओके? तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वेलनेस कोच करेगा क्या? वेलनेस कोच उन सीनियर सिटीजन्स की एक रूटीन बना देगा। जितने बजे वो उठते हैं क्या वो राइट टाइम है? अगर वो राइट टाइम है तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलेंगे थोड़ा पहले उठो। उनका एक रूटीन सेट करेंगे, क्या खाना है, कितना खाना है। अब आप देखिए कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी कहते हैं हम तो एक्सरसाइज करते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी कहेंगे हम एक्सरसाइज करते हैं, बट क्या वो एक्सरसाइज उनके लिए ठीक है, ये हमें नोट करना है। क्या वो उस एक्सरसाइज से उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा, वो हमें देखना है। क्या उस एक्सरसाइज से उनको कुछ बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा तो ऐसे एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा? यही एक लाइफ वेलनेस कोच बताएगा, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या, उसके बाद आता है आपका स्पिरिचुअल लाइफ। थोड़ा सा उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, फ्रॉम चिल्ड्रेन टू रिटायर्ड पीपल। तो अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन करो, फिर 20 का करो, फिर आधे घंटे का मेडिटेशन करो, इंक्रीज़ योर मेडिटेशन टाइम टिल 1 आवर। अगर नहीं कर सकते तो 30 मिनट्स तक तो मेडिटेशन करो। यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड, फॉलो। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, आपका एक बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आपका एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ओके, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो फैमिली में टेंशन कब होगा? आप हंसते हुए बच्चों को भी डील करेंगे, हंसते हुए अपने बच्चों को भी डील करेंगे और उनके बच्चों को भी डील करेंगे। टेंशन नाम की चीज़ आपके आसपास नहीं फटकेगी। आप ब्रेकफास्ट 10 बजे लेते हो, दैट्स नॉट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आप लोग का 8 बजे हो जाना चाहिए। यही टाइम सेटिंग आपका कोच आपके लिए करेगा।
आपका ब्रेकफास्ट का टाइम सेट करेगा, आपका लंच का टाइम सेट करेगा, आपके डिनर का टाइम सेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको कितना डाइजेस्ट होता है, कब तक डाइजेस्ट होता है, ये सब टाइम तो देखना पड़ेगा ना। आप 10 बजे डिनर करोगे और 10:30 बजे आप बेड पे चले जाओगे सोने के लिए, दैट इज़ नॉट राइट। सोने से 2 घंटे पहले तक तो आपको डिनर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका वेलनेस कोच ही आपको हेल्प करेगा। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है कि आपकी कैलोरीज ज़्यादा ना हो, पेट भी भरा रहे, न्यूट्रिशन भी मिले। स्नैक्स में क्या खाना है, यूजुअली हम बिस्किट्स उठा लेते हैं स्नैक्स के लिए, बट आप एक बात सोचिए कि बिस्किट्स के कैलोरीज नहीं होती हैं, उसके अंदर घी भी होता है, उसके अंदर शुगर भी होता है और वो मैदा भी होता है। सपोज आपने, चलो मान लिया कि आटे के बिस्किट लिए, ओके आपने आटे के बिस्किट लिए, पर चीनी तो उसमें है ना, घी भी उसमें है ना, तो कैलोरीज बढ़ेंगी कि नहीं? 1 ग्राम घी के 9 कैलोरीज होती हैं, फॉलो? सो वी हैव टू सी दैट कि आपकी कैलोरीज भी ना बढ़े। ये स्नैकिंग और बिस्किट्स को आपने छोड़ देना। आपको स्नैकिंग करना है ना, आप स्नैकिंग करिए स्प्राउट्स का, आप स्नैकिंग करिए फ्रूट्स। देयर आर सो मेनी स्नैक्स, यू नो, आपका जो कोच है ना वो आपको यूं बताएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है फॉर स्नैकिंग। लंच करना है, लंच में आपने क्या चीज़ें ज़्यादा खानी है जिससे कि आपकी कैलोरीज ना बढ़ें बट आपकी प्लेट भी भरी रहे, आपका पेट भी भरे। ये काम तो वेलनेस कोच का है ना। आप सिरदर्दी मत लीजिए, अपने बच्चों को भी इसकी सिरदर्दी मत दीजिए, उनके बच्चों को भी इसकी सिरदर्दी मत दीजिए। और जब घर में खाना बनेगा एक के लिए, तो सभी के लिए वही बनेगा। और जब सभी के लिए वही बनेगा, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पूरी फैमिली हेल्दी खाना खा रही है, सिर्फ उनकी जो एक आध किसी की कोई चॉइस होगी वो चॉइस सेपरेटली बन जाएगी। सो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी हेल्थ देख रहे हो। तो मैं उन बच्चों से कहूँगी जो अपने पेरेंट्स को अपने पास रखे हुए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एम्प्लॉयड हैं और घर में रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। उनकी हेल्थ रहेगी तो उसमें आपका क्या बेनिफिट है? आपका बहुत सा बेनिफिट है। आप अपनी जॉब बिना टेंशन के कर सकोगे, नहीं तो जॉब में भी आपकी एक टेंशन रहेगी। पता है क्या टेंशन? पता है आपको ये टेंशन रहेगा कि पेरेंट्स का बीपी है, ओके ओके। मान लीजिए आपके पेरेंट्स के बीपी है हाई, अब हाई बीपी में उनको टेंशन नहीं देना। अगर बाय द वे किसी बात में टीवी देखते हुए या किसी से बात करते करते वो अपनी दवाई खाना भूल गए, तो आपको भी एक टेंशन रहेगा कि मम्मी ने दवाई खाई कि नहीं, पापा ने दवाई खाई कि नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे कह दें और उनका बीपी बढ़ जाए। तो इन सब टेंशन से मुक्त तो रहना ही पड़ेगा ना। अगर वो ओवरवेट हैं आपके पेरेंट्स, तो उनका वेट लॉस कराइए। वेट लॉस कराओगे तो लाइफस्टाइल डिसीजेस में अपने आप अंतर पड़ेगा। 5% वेट लॉस विल गिव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर हेल्थ बेनिफिट्स, पता है आपको? चलिए, अब फिर आपको खाने की भी चिंता नहीं, क्योंकि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स रखा है। आपको पता है कि स्नैकिंग में वो ये खा लेंगे, फिर लंच भी बना हुआ है, तो टेंशन ही नहीं है ना, ओके? तो लाइफ को वेलनेस कोच का क्या काम है? अगर आपके पेरेंट्स के साथ वेलनेस कोच हैं, तो आपकी तो सारी टेंशन ख़त्म। टेंशन वो वेलनेस कोच लेगा, गॉट इट? कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे स्नैक्स करना है, आपको 3 मील डे का प्लान चाहिए कि 5 डे मील का प्लान चाहिए, लेट हिम सेट। वो उनकी एनर्जी कंट्रोल करेगा, कैलोरीज कंट्रोल करेगा, और जैसे जैसे उनका ओवरवेट जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, तो उनकी लाइफस्टाइल बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दवाइयां तो डॉक्टर दे रहा है, पर जैसे जैसे उन ऑर्गेन्स का वेट, उसके ऊपर का वेट कम होगा फैट्स का, तो नेचुरली द ऑर्गेन्स विल फाइंड अ रिलीफ। जब उनको रिलीफ मिलेगा तो दे विल बी बेटर, है ना? तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भी
आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपको भी कोई परेशानी है, गो फॉर अ वेलनेस कोच। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हल आपके पास किसी के पास नहीं होता, एक वेलनेस कोच के पास होता है। ओके, वेलनेस कोच इज़ नॉट अ डॉक्टर, वेलनेस कोच इज़ नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोच इज़ नॉट अ फिजिकल ट्रेनर, वेलनेस कोच इज़ नॉट अ लाइफ ट्रेनर, इज नॉट अ लाइफ कोच, बट वेलनेस कोच इज ऑल इन वन। वो आपकी लाइफ को सही पटरी पे ले आएगा। आप एक चीज़ के लिए ट्राई करोगे, आपकी सभी चीज़ें लाइन पे आती रहेंगी, क्योंकि दैट इज़ द वर्क ऑफ अ वेलनेस कोच। ओके, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सबको पता होना चाहिए कि वेलनेस कोच की क्या ड्यूटीज़ हैं। हम सोचते हैं कि वेलनेस कोच इससे तो डॉक्टर्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स नो डाउट दे आर गुड, वो आपकी बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर्स आर नॉट, डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग योर डिजीज़। पर वेट लॉस के लिए भी डॉक्टर यही बोलेगा कि आप वेट लॉस करिए। आप पूछोगे कैसे, वेलनेस कोच के पास वेट लॉस के लिए जाओगे, डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जैसे जैसे वेट लॉस हो जाएगा डॉक्टर्स भी आपकी दवाइयाँ कम करता जाएगा। यू आर ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू आर गेटिंग हेल्दी, आप हेल्दी हो रहे हो, आप टेंशन फ्री हो रहे हो, आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये सारे काम आपको एक वेलनेस कोच करवाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।